हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हेमंत और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन एरा एजुकेशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बोलते हैं अपन क्या, साझा, ठीक है, साझा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब साझा के क्वेश्चन करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखने हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज हमारे एक क्यूज है, उसका आंसर आपको लास्ट में देना पड़ेगा। देखिए ये क्यूज मैं बता देता हूँ आपको, ये क्यूज है एक क्वेश्चन। अगर आपको, आपने हमारा पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो इसका आराम से आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे, ठीक है। इस क्यूज का पहली क्यूज है दोस्तों, आज हमारी पहली क्यूज इस शुरुआत हो रही है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। यहाँ पे देखिए कि राम और श्याम ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2-3 के अनुपात में बांट लिया। यदि राम ने 40,000 रुपये निवेशित किया हो तो श्याम ने कितना धन निवेशित किया था, ठीक है। अभी एक बात बताइए, यहाँ पे राम और श्याम का रेशियो दे रखा है आपको लाभ का, ना। तो राम और श्याम, मतलब कि ऐसे करते हैं इसको, राम आर और एस लिख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट राम और श्याम लिख लिया, ठीक है। लाभ का रेशियो कितना है इनका, 2:3 है, ठीक है। समानुपात लगा दीजिए, उनके धन का रेशियो कितना होगा वही अपन को निकालना है। तो मतलब कि राम और श्याम यहाँ पे लगा दीजिए, समानुपात इसमें भी है ना। तो राम और श्याम के धन, मनी, मतलब कि एम लगा देता हूँ मैं इसके, है ना। यहाँ पे पी हो गया ये प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पे मनी लगा देते हैं, धन। अब दोनों का रेशियो क्या होगा, इसमें राम की तो दे रखी है कितनी, 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये यहाँ पे लिख लीजिए, 40,000 रुपये लिख लिया। अनुपात श्याम की अपन को निकालना है तो यहाँ पे एक्स लिख लीजिए। आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल कर लीजिए, बस हो गया। बराबर कर दीजिए इन दोनों को, फिर देखिए यहाँ पे समानुपात लगा सकते हैं या फिर बराबर लगा सकते हैं इसको, है ना। बराबर भी बोल सकते हैं इसको, समानुपात भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी को सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो 2 को मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, ये 2x आएगा, ठीक है। बराबर 3 को मल्टीप्लाई अपन 40,000 से करेंगे तो 40,000 को यहाँ डायरेक्ट निकलेंगे, ठीक है। अब 2 से क्या करेंगे, इसको 40,000 को काट लीजिए, कितनी बार जाएगा, 20,000 बार, ठीक है। समझते हो ये चीज़, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 20,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो कितना आएगा, 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये शाम की पूंजी हो गई, शाम ने कितना पैसा लगाया था, 60,000 रुपये, ठीक है। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 60,000 रुपये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्नो, बसंती और शोले ने क्रमशः 2700, 8100 और 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। तो वर्ष के अंत में बसंती ने 3600 रुपये का लाभ पाया हो तो उनका कुल लाभ कितना था, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि तीनों को बराबर बराबर लिख लीजिए, क्या, जैसे धन्नो, बसंती और शोले, ठीक है। धन्नो का डी लिख लीजिए, बसंती का बी लिख लीजिए और शोले का एस लिख लीजिए, लिख लिया तीनों को, लिख लिया। अब इनका रेशियो क्या है धन का, मतलब इन्होंने जो धन लगाया है व्यापार में उसका कितना है उसका, देखिए इसका कितना है, 2700 रुपये। धनों का कितना है, 2700 रुपये, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 2700 रुपये, ना। और इसका बसंती का कितना है, 8100 रुपये। आगे देखते जाइए, 8100 रुपये, ठीक है, ये 8100। और जो इसका शोले है उसका कितना है, 7200 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अब एक बार बताइए इनका रेशो आप आराम से निकाल सकते हो, देखिए 2 0 से 2 0 गए, 2 0 गए, 9 से इसको काटा, 9 3 27 और 9 से इसको काटा, 9 9 81 और 9 से इसको काटा तो 9 8 72। अब इसके बाद में कोई कुछ भी नहीं कटेगा, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो अब अपन को क्या निकालना है, जो ये चीज़ निकला है इसके, जो इसका लाभ का प्रॉफिट का मतलब कि इसका रेशियो है वो ये चीज़ है, ठीक है, वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में दोस्तों। इसलिए मल्टीप्लाई एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, अगर ऐसा सोच रहे हो कि इससे एक से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है, ठीक है। तो वो सभी एक से मल्टीप्लाई होकर सभी कट जाएंगे क्योंकि एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो वर्ष के अंत में, तो उसको इसलिए मैंने इस टाइम को इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप सभी के, ठीक है। तो इसको माइंड मत करना कि मैंने टाइम से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सभी आपस में कट जाते हैं पूरे एक साल के लिए, कहने मतलब पूरे 12 12 12 तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कट जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या है कि कुल लाभ निकालना है अपन को, ना। तो टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो वो निकालना है आपको। तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, ये तीनों रेशियो है ना, 3 9 8, इनको ऐड करके लिख लीजिए। तो ऐड करके लिखोगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 9 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 20 बटे किसका दे रखा है, बसंती का दे रखा है, ठीक है, बसंती का लाभ। और यहाँ पर रेशियो कितना है, बसंती का 9 है, तो 20 बटे 9 लिख लीजिए। और बसंती को कितना मिल रहा है इसमें लाभ, 3600 रुपये, ठीक है, तो 3600 रुपये यहाँ पर लिख लीजिए, बस 9 से इसको काट दीजिए, ये 400 बार गया, 400 मल्टीप्लाई 20 कर लीजिए, कितना आया, 8000 रुपये आ जाएगा,
ठीक है, 8,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोलू ने 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, तो 3 माह बाद मोलू 45,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल 5,850 रुपये का लाभ हुआ हो तो गोलू तथा मोलू के लाभ में कितना अंतर होगा? अब देखिए, गोलू तथा मोलू के लाभ के बीच में अंतर पूछ रहा है। टोटल लाभ कितना हो रहा है अपन का? 5,850। ठीक है, पहले इनका निकाल लेते हैं अपन रेशो। रेशो किस हिसाब में इसका आएगा वो चीज़ देखिए आप, है ना। तो ये क्या है कि अब देखो, महीने अलग अलग हैं। ये गोलू तो पूरे 12 महीने के लिए काम कर रहा है ना, ठीक है। और मोलू मोलू क्या है कर रहा है, मतलब 3 महीने बाद में आया। तो अब इनको मतलब बिना लिखे तो रह नहीं सकते, क्योंकि लिखना पड़ेगा भाई। एक तो 9 महीने काम कर रहा है, एक 12 महीने काम कर रहा है, ठीक है। तो गोलू गोलू का जी लिख लीजिए और मोलू का एम लिख लीजिए, ठीक है, अनुपात लगा दिया। अब गोलू कितने? 15,000 रुपये। 15,000 को कितने महीने के लिए लगाया उसने? पूरे 15,000 को कितने के लिए? 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में अनुपात, इसमें जो मोलू है उसने क्या, उसने कितना लगाया? 45,000 रुपये। अब उसने 45,000 रुपये लगाया, ठीक है। 45,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने? 3 महीने बाद में आए, तो 3 महीने को 12 में से माइनस करेंगे तो कितने महीने काम किया इसने? इसके इसका धन कितने महीने रहा? 9 महीने, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें भाई, 12 में से 3 महीने बाद में आया ना, तो 12 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना हुआ? 9 महीने तो हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, 3 जीरो से तो ये 3 जीरो गई, 15 से ये 15 एकम 15, 15 3 45, ठीक है, ये हो गया। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है। तो 4:9 इसका फाइनल रेशो आ गया, 4:9। अब एक बात बताइए, जब 4:9 इन दोनों का रेशो आ गया इनके लाभ का, ठीक है, अब इसको इनके लाभ का अंतर कैसे निकालेंगे? वो लाभ का अंतर निकालेंगे, देखे मतलब कि डिफरेंस डीपी निकाल लेते हैं, डिफरेंस इन प्रॉफिट, ठीक है। तो डीपी मतलब कि डिफरेंस इन प्रॉफिट, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन को क्या करना है, बस दोनों को माइनस करके लिख लीजिए। दो रेशियो आए ना, 9 माइनस 4 बटे दोनों को नीचे ऐड कर लीजिए, 9 प्लस 4, ठीक है, मल्टीप्लाई। टोटल लाभ कितना हो रहा है इसको? 5,850। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब 9 में से 4 गए तो कितना बचा? यहाँ से मैं ऊपर करता हूँ इसको, है ना। तो देखिए, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, ठीक है। नीचे क्या हुआ? 9 और 4 13 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई 5,850, ठीक है। अब 5,850 में 13 को इसको काटा तो कितनी बार गया ये? ये गया कितना? 450 बार, ठीक है, 450 बार। अब 450 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, तो कितना आएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा अपना कितना? 2,250 रुपये, ठीक है। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 2,250 रुपये उनका लाभ का अंतर होगा, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन था ना दोस्तों? हाँ, तो बस ऐसे करना है और आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, चिंकी और मिंकी ने क्रमशः 12,000, 16,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, तथा 8 महीने बाद पिंकी भी 15,000 रुपये लगाकर उसमें सम्मिलित हो गई, ठीक है। चिंकी मिंकी ने कोई व्यापार किया, 8 महीने बाद में पिंकी भी उसके अंदर कुछ पैसा लगा के उसमें सम्मिलित हो गई, ठीक है, 15,000 रुपये लगाकर। तो 2 वर्ष के बाद, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जब महीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 वर्ष का लेंगे, वहाँ पे एक एक महीने के आ रहे थे, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये के लाभ में से पिंकी का भाग कितना होगा? अब पिंक टोटल लाभ हुआ उनको 2 वर्ष के बाद में 45,600 रुपये का, ठीक है। तो उसमें से पूछ रहा है कि पिंकी का भाग कितना था। अब पिंकी का भाग निकालना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चिंकी का सी ले लेते हैं, मिंकी का एम ले लेते हैं, ठीक है, और पिंकी का पी ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई, है ना। अब इसमें क्या है कि चिंकी कितनी है? 12,000 रुपये लगा रही है, ठीक है। 12,000 कितने पूरे 2 वर्ष के लिए लगा रहे, तो मतलब 24 महीने हो गए इसमें, ठीक है। अनुपात जो मिंकी है वो भी पूरे 12 महीने के लिए लगा रही, मतलब सॉरी 24 महीने के लिए लगा रही, तो वो भी 16,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, ठीक है, अनुपात। अब पिंकी है वो क्या कर रही है कि 15,000 रुपये लगा रही है और 8 महीने बाद में आई है, तो मतलब 24 महीने तो टोटल हो गए, 24 में से 8 महीने बाद में आई है वो, तो कहने मतलब 24 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 16, ठीक है, 16 महीने काम करेगी, 15,000 के लगा रही है और कितने कितने महीने के लगा लिए लगाया उसने? 16 महीने, ठीक है, ये हो गया। अब तीनों का ये रेशियो आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे अपन, पहले तो 3 से 3 जीरो
और ये 3 जीरो कट गए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, बस इसको काट के लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं अपन, इसमें से 4 से इसको काटते हैं, 4 तीय 12, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ये हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या कीजिए कि इसको ऐसे कीजिए कि 4 से इसको वापस काट लीजिए, ठीक है। अब 4 से इसको वापस काट लीजिए पूरे को, तो यहाँ पे कितना है, 4 4 से इसको पूरे को काट लीजिए, तो 4 से 6 6 बार तो ये गया, और 4 से 6 बार ये गया, ठीक है, और 4 से ये 4 गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसमें से आप क्या कीजिए कि 3 से इसको पूरे को काट के लिख लीजिए, 3 से 1 बार और 3 से ये 2 बार और 3 से ये कितनी बार गया, 3 पंजे 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रेशा आ गया अपने, 6 तो इधर बचे, 4 दूनी 8 इधर बचे, और यहाँ पे ओनली 5 बच गया, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे 5, ये ओनली 5 बचा है ना, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया यहाँ पे, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये रेशो अपना फाइनल आ गया, ठीक है, ये रेशो आ गया अपना फाइनल, ठीक है, कि 6:8:5, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, अब इसमें पिंकी का लाभ निकाल सकते हैं ना आप आराम से। देखिए पिंकी का लाभ क्या होगा, पिंकी का प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। तो पिंकी का प्रॉफिट कितना होगा, बराबर पिंकी का रेशो कितना है, 5, यहाँ पे ध्यान दीजिए 5, ठीक है। तो 5 लिख लिया, बटे टोटल, टोटल रेशो कितना हो रहा है इनका, 6 6 + 8 + 5 कितना हुआ, कितना हुआ, ये हुआ टोटल 19, ठीक है, 19 लिख लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। इनका टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है 2 साल का, ये हो रहा है 45,600 रुपये, ठीक है। 45,600 को यहाँ पे लिख लीजिए, 45,600 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 19 से ये कितनी बार कटेगा, 19 से ये कटेगा 2400 बार, ठीक है, 2400 बार ये कटेगा। अब 2400 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, तो ये कितना आएगा अपना, 2400 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, कितना आएगा अपना, ये आएगा अपना 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये, ठीक है। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, ये रहा इस क्वेश्चन में, देखिए मोटू तथा पतलू ने एक चरागा 30 रुपये प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए किराया पर लिया, ठीक है, एक चरागा ले लिया भाई 10 महीने के लिए मोटू और पतलू ने, 30 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। यदि यदि मोटू की 10 गायें 9 महीने चरती हैं, तो पतलू शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे मोटू से 60 रुपये कम किराया अदा करना पड़े, ये है भाई क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले तो लिख लीजिए आप मोटू का, तो एम लिख लीजिए, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इसको, मोटू और पतलू, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया अपने पतलू, ठीक है। और इसका जो पहले तो एक बात बताए, इसमें टोटल किराया कितना दे रहे हैं, 30 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 10 महीने का कितना किराया हुआ इसका, 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 महीने के 10 से, तो कितना हुआ है, 300 रुपये इसका किराया हो गया, ठीक है। अब उसमें से कितना कितना हिस्सा दे रहे हैं मोटू और पतलू, कितना हिस्सा दे रहे हैं उसमें से, 300 रुपये में से कितना कितना भाग देंगे वो, मतलब कितना कितने कितने रुपए दोनों अपने अलग अलग अदा करेंगे, तो वो बताइए। क्योंकि 60 रुपये क्या बोल रहा है कि मोटू पतलू से 60 रुपये कम अदा करेगा, तो मोटू पतलू से 60 रुपये कम अदा करेगा, तो मोटू कितना करेगा, मोटू मतलब कि 60 रुपये से ज़्यादा करेगा, कहने मतलब कि ये तो करेगा 180 रुपये अदा और ये करेगा 120 रुपये, ठीक है। तो दोनों जब भी, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 रुपये। अब वो कैसे होगा ये बताता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई मान लीजिए कि मोटू कर रहा है x रुपये अदा कर रहा है, और पतलू क्या करेगा, x-60 करेगा, ठीक है, और दोनों का एडिशन कितना होगा, 300 के बराबर ही तो होगा भाई, 300 रुपये उनको दोनों को दे रहे हैं, तो वो एक्स अगर वो कर रहा है तो x-60 पतलू करेगा, ठीक है, एक्स मोटू करेगा अदा, तो क्या करेगा, अब इसको सोल्व कर लीजिए बस, बराबर देखिए 2x-60 हो गए, ये तो इधर से कितना है, 2x-60, 60 को -60 को उधर भेज देंगे 300 की तरह, तो प्लस में हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब 360 हो गया ये, तो x बराबर कितना है यहाँ से, 180 रुपये। जब x की वैल्यू 180 आ गई, तो दूसरा x-60 है, तो मतलब कि 180-60 करेंगे तो कितना, 120 रुपये। आई होप सभी की चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से 180 और 120 यहाँ रेशो आ गया इनका, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब ये 180 और 120 रुपये इनका रेशियो आ गया, तो जब इनका मतलब कि दोनों कितने महीने चरा रहे हैं, मतलब अपनी गाय, देखिए यहाँ पे मोटू लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे पतलू लिख लेता हूँ, मतलब कि ये समानुपात में आ रहे हैं। तो मोटू कितने चरा रहा है, 10 गायें कितने महीने के लिए चरा रहा है, 9 महीने के लिए, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि भाई पतलू कितनी गाय चरा रहा है, आगे क्वेश्चन है ना ये, यदि मोटू 10
गाय 9 महीने के लिए चराता है, तो पतलू शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे मोटू से 60 रुपये कम अदा करना पड़े। तो अभी कितनी गाय चराएगा, देखिए यहाँ से दोनों को ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 10 गायें 9 महीने चर रही है, और पतलू की एक ही तो महीने चर रहा है भाई, वो तो बेचारा एक ही महीने चरा रहा है लास्ट के महीने में, ठीक है। कितनी गाय चर रही है उसकी, उसकी गाय तो अपन को निकालना है, अनुपात यहाँ पे अनुपात लिख लीजिए, मान लीजिए उसकी एक्स गाय है, ठीक है, और कितने महीने के लिए चल रही है, 1 महीने के लिए, ठीक है। ये चीज़ अलग है दोस्तों, है ना, इसको ध्यान में रखना। ओनली अभी एक क्वेश्चन अपना ये रहा। अभी एक बात बताइए, आप सभी को मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कराया था कि आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 180x हो जाएगा भाई। एक्स को मल्टीप्लाई एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो एक ही एक्स ही आएगा, और एक्स को मल्टीप्लाई 180 करें अस्सी से करेंगे तो 180x आ जाएगा, ठीक है। 180x आ गए यहाँ पे, है ना, 180x आ गया, बराबर यहाँ पे 120 को मल्टीप्लाई, 120 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको आंतरिक पदों का गुणनफल कर रहे हैं ना, ठीक है, तो 120 को मल्टीप्लाई इससे कर दिया, बस बराबर रख दीजिए बस दोनों का, ना हो गया 16x बराबर। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बराबर अब क्या होगा, यहाँ 120 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 है, इसके नीचे अब 180 भी रख दीजिए, ठीक है। अब भाई इसको इसको यहाँ भेज देंगे ना नीचे, तो जब भी तो एक्स के बराबर आएगा, अब 180 को इसके नीचे भेज देंगे, तो फिर देखिए 180 को इसके नीचे भेजा तो इसको काट लीजिए, अब एक एक जीरो से एक जीरो गई, 6 से ये 2 बार गया, और 6 से ये 3 बार गया, 3 से ये 3 9 3 बार गया, ठीक है। तो ये यहाँ से कितना है, 3 दूनी 6, ऊपर 2 10 और 3 बचा, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 10, 6 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 60, तो 60 गायें आंसर आ गई, ठीक है, तो 60 गायें आंसर आ गई। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, ना। हाँ दोस्तों, अब आज है आपकी ये क्विज, ठीक है, इस क्विज को आप लगाइए कि एक व्यापार में रमेश ने सुरेश से दुगुना धन लगाया तथा तिगुने समय के लिए लगाया, ध्यान रखना दुगुना धन तिगुने समय के लिए लगाया, यदि कुल लाभ 3500 रुपये हुआ हो तो इसमें रमेश का भाग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको राइट मतलब कि सॉल्व करके बताना है, इसमें से कौन सा आंसर है, इसमें से ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, कोई सा भी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। आई होप सभी के क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको क्वेश्चन को करके बताइए, और फिर देखते हैं मैं इसका आंसर मैं कल वाले पार्ट में करवाऊंगा, जब मैथ वाला करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू और बाय।